हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो लीब्रा कैल्क की है। आइए दिखाता हूँ कि क्या हम सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर लीब्रा कैल्क मैंने ओपन किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखना है, लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन जब मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर तो ये तो नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाता है, ये कुछ इस तरीके से आ जाता है, आप देख सकते हैं। अब अगर आपको स्क्वायर लिखना है तो क्या करेंगे, क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे, कैसे आप स्क्वायर लिख सकते हैं, शॉर्टकट की बताता हूं आपको। देखिए अगर ए स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना है पी। क्या प्रेस करना है? कंट्रोल शिफ्ट और पी। जैसे ही आप इसको प्रेस कर देंगे तो फिर आप जब स्क्वायर लिखेंगे तो ऊपर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो आप आसानी के साथ ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने दोबारा इसका प्रयोग किया कंट्रोल शिफ्ट और पी का, तो ये इफेक्ट हट जाता है। अब ये देखिए ये नॉर्मल पोजीशन में आ गया, और फिर अगर मुझे बी स्क्वायर लिखना हो तो फिर वापस से कंट्रोल शिफ्ट और पी प्रेस करूंगा। ये देखिए जैसे ही प्रेस किया तो ये फिर उसी तरीके से आ गया है। फिर इसको नॉर्मल पोजीशन में लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और पी दोबारा से प्रेस करना होगा। तो ये कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस किया, आप देखिए ये नॉर्मल पोजीशन में आ गया। तो ये सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट है। और अगर आप नीचे लिखना चाहते हैं तो आप जैसे सपोज कीजिए यहां लिखना चाहते हैं A2, ठीक है, तो आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और बी बटन प्रेस करना है। तो जैसे ही बी प्रेस करेंगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली नीचे आ गई है, देखिए देख रहे हैं। अगर आप फिर नॉर्मल पोजिशन में आना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और फिर प्रेस कीजिए बी बटन। तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो फिर आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, और फिर यहां लिखिए बी, और फिर नीचे लिखना है तो कंट्रोल शिफ्ट और बी प्रेस कर दीजिएगा, तो ये नीचे आ जाएगा। इसको लेके आना है नॉर्मल पोजीशन में, इज इक्वल टू को, तो फिर कंट्रोल शिफ्ट और बी प्रेस कर दीजिए, ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। ये बहुत ईजी है लीब्रा कैल्क में। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।